दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम नाश्ते में ये परवल की भुजिया, ये तुरई की सब्जी बनाने जा रहे हैं। परवल की भुजिया मसाले वाली बनाएंगे, इसमें प्याज नहीं डालेंगे। नेनुए की सब्जी में ये एक प्याज मीडियम साइज का और 3-4 कली लहसुन, इसकी सब्जी बनाएंगे। अब हम कढ़ाई गरम करते हैं। कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें जीरा डाल देते हैं। इसको लाल होने देंगे। जीरा मेरा चटक गया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी और ये परवल जो हम कटिंग करके रखे हुए थे उसको डाल देते हैं। अब इसको लाल होने तक को फ्राई करेंगे। इसको ढक देते हैं। अब नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। इसको ढक ढक के पकाएंगे। अब देखिए ये सीझ गया है। अब इसमें मसाला डाल देते हैं थोड़ा। देखिए 1/2 चम्मच। इसमें लहसुन, मिर्च और जीरा गोलकी है पिसा हुआ। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। परवल का भुजिया तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से लाल हो गया। इसी में अब तेल डाल के उस तुरई की सब्जी भी बना लेते हैं। जीरे का फोरन, जीरा चटक गया। अब इसमें लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को लाल कर लेते हैं। एक प्याज कटिंग करके रखे थे वो डाल देते हैं इसमें। इसको लाल करके भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें अब नमक हल्दी डाल देते हैं। हल्दी, नमक डाल, तुरई डाल देते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। लो फ्लेम पे इसको रखेंगे और ढक देंगे इसको। फिर 5 मिनट पे इसको हटा के देखेंगे। देखिए 5 मिनट के बाद ऐसा पानी ये छोड़ दिया है। अब ये धीरे धीरे गलेगा। फिर से इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए अब अच्छी तरह से गल गया है। इसका पानी को हम सुखा लेंगे तेज, लो को तेज करके। ये देखिए पानी सूख गया है सब। और इसको ऐसे ऐसे करके चूर देंगे, मैश कर देंगे। मेरा तो सब्जी तैयार हो गया। देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।